इनसे मिलिए, ये हैं राजमोहन, जिन्हें लोग इंडियन इलेक्ट्रिक मैन के नाम से भी जानते हैं। ये 500 वाट से भी ज्यादा बिजली को अपने शरीर से बहुत ही आसानी से पास करा सकते हैं। तो बात है तब की, जब राजमोहन 7 साल की उम्र के थे और इन्होंने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया था, और फिर डिप्रेशन में आकर ट्रांसफार्मर पर चढ़कर एक नंगे तार को छूकर आत्महत्या करने जा रहे थे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्हें उन नंगे तारों को छूने से कुछ भी नहीं होता है। इनकी कहानी बिल्कुल एक साइंस फिक्शनल मूवी से मिलती जुलती है। तो आइए, मैं हूँ ऑस्कर ओवेन और आप एक बार फिर से देख रहे हैं द नॉलेज इज पावर। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोकिनेसिस। इलेक्ट्रोकिनेसिस एक ऐसी शक्ति यानी कि एबिलिटी है जिसकी मदद से एक इंसान अपने आसपास वातावरण में मौजूद जो एटम्स हैं उन्हें सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से चार्ज कर बिजली पैदा कर सकता है। इलेक्ट्रोकिनेसिस को सीख कर एक इंसान इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से काबू कर सकता है और दूसरी चीज़ों में से बिजली को सोख भी सकता है, और साथ ही साथ बैटरीज को सिर्फ अपनी उंगलियों से छू चार्ज कर सकता है। इलेक्ट्रोकिनेसिस को शॉर्ट में हम ईके भी बोलते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे इलेक्ट्रोकिनेसिस नहीं आता है, और अगर आपको मुझ पर और स्पिरिचुअलिटी यानी कि साइंस के पढ़े जो चीज़ें होती हैं ना उन पर ज़रा भी भरोसा है ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इलेक्ट्रोकिनेसिस के 3 टाइप्स यानी कि मोड्स होते हैं, जिनमें से पहला है इलेक्ट्रो मैनिपुलेशन, दूसरा है फोटोकिनेसिस और तीसरा है टेक्नोकिनेसिस। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो मैनिपुलेशन के बारे में। इलेक्ट्रोकिनेसिस को सीखने का सबसे पहला तरीका है अपने दिमाग को शांत बनाकर उसे काबू में करना, और आप मेडिटेशन कर ऐसा बहुत ही आसानी से कर सकते हो, या फिर आप त्राटक यानी कि मोमबत्ती को देखकर या फिर योगा कर भी ऐसा कर सकते हो। इलेक्ट्रोकिनेसिस को सीखने का दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की आवाज़ को सुनना। आप जब तक कि इलेक्ट्रोकिनेसिस यानी कि ईके सीख नहीं जाते तब तक आपको हर रोज़ बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की आवाज़ों को सुनना होगा और उसे साथ ही साथ अपने शरीर में बहते हुए महसूस करना होगा। आप YouTube पर सिंपली सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रिकल साउंड्स और आराम से लेटकर ईयरफोन्स पहनकर 20 से 30 मिनट तक उन्हें सुन सकते हो। इलेक्ट्रोकिनेसिस को सीखने का तीसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। एक बार जब आप अपने दिमाग को पूरे तरीके से शांत कर लें और उसे काबू में कर लें, तब इसके बाद आपको अपने शरीर में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को बहते हुए महसूस करना है। आपको बस करना क्या है कि कहीं पर भी लेट जाना है और अपने दिमाग में ऐसा विजुलाइज करना है यानी कि तस्वीर बनाना है कि आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बह रही है ऊपर से नीचे तक और अंदर से बाहर तक। इलेक्ट्रिसिटी को अपने शरीर में बहते हुए यानी कि फील करने वाले स्टेज तक पहुंचने में आपको कई महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है और हर रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले बिजली को अपने शरीर में बहते हुए महसूस करना है उसकी आवाज़ों के साथ। स्टेप 4, अपने हाथों में महसूस करें। एक बार जब आप बिजली को अपने शरीर में फ्लो करते हुए उसकी आवाज़ों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस करने लग जाए, तब इसके बाद आपको पूरे बिजली को अपने शरीर से अपने हाथों में ट्रांसफ़र कर देना है और फिर अपने हाथों से अपनी उंगलियों में। और अगर एक बार आप प्रैक्टिस करते करते ऐसा करने में कामयाब हो जाएं, तब आप इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट अपनी उंगलियों से एक बल्ब में भेजकर उसे जला सकते हो। एक और दूसरा मेथड यानी कि तरीका जो कि आप ईके को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो है अपनी हाथों की मदद से इलेक्ट्रो बॉल को बनाना। अपने हाथों की मदद से हम जो साई बॉल बनाते हैं और उसके साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ देते हैं, तब बन जाता है एक इलेक्ट्रो बॉल। यानी कि साई बॉल प्लस इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू इलेक्ट्रो बॉल। और अगर आपको नहीं पता है कि साई बॉल क्या होता है, तो आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानने और समझने के लिए मेरी ये वीडियो देख सकते हो, जी एनर्जी की शक्ति। इलेक्ट्रो बॉल को बनाने के लिए बस आपको करना क्या है कि आपको अपने दोनों हाथों को आपस में रब करना यानी कि रगड़ना है, ताकि दोनों हाथों के बीच में थोड़ी गर्मी पैदा हो सके। फिर आप अपने दोनों हाथों को पास ले आए और उसे दूर ले जाएं, और फिर उन्हें पास ले आए और फिर उन्हें दूर ले जाएं। आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके पूरे शरीर में बिजली जो है वो बह रही है
और आपको अपने हाथों को पास और दूर ले जाते हुए ऐसा महसूस करना है कि जैसे जैसे आप अपनी हाथों को पास और दूर ले जा रहे हो, वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर की सारी बिजली जो है वो आपकी दोनों हाथों के बीच में इकट्ठा होकर एक इलेक्ट्रो बॉल को बना रही है। जब आप ऐसा करोगे तब आप अपनी हाथों के बीच में एक ऊर्जा को महसूस कर पाओगे और यही ऊर्जा है इलेक्ट्रो बॉल। इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल एक इंसान किसी की मदद करने के लिए या फिर अपने दुश्मनों पर फेंक कर अपनी जान बचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। क्या आपने कभी एक इलेक्ट्रिक ईल को देखा है जो कि पानी में रहने वाली एक मछली है और ये अपने शरीर से बिजली को पैदा कर सकती है और उस बिजली की मदद से अपने दुश्मनों को झटके भी दे सकती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक ईल वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक ईल जो है वो इलेक्ट्रोकिनेसिस कर सकता है। इलेक्ट्रोकिनेसिस और टेलीकिनेसिस जैसी चीज़ें जो है वो सुनने में एक सपना लगती है और करने में बिल्कुल नामुमकिन, बट ये चीज़ें साइंस और दिमाग की शक्ति दोनों की ही मदद से पॉसिबल यानी कि मुमकिन है। तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि क्या आप इलेक्ट्रोकिनेसिस को सीखना चाहेंगे, और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।